के ममता बनर्जी पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग उन से कर दी है। और इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि अयोध्या में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, इस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। इस घटना पर राहुल गांधी की जुबान बंद है, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जुबान भी बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद है। साथ ही गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में खुले में मीट बेचने पर भी रोक लगाने की मांग की है। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिहुआ पर बोलना भी पाप जैसा लगता है, लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकारियों को डंडा से धमकाया भी है, वो किम जोंग है, कुछ भी कह सकती है। मैं फिर से डीएम से कहूंगा, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी खुले में मीट ना बिके। यहाँ के मेयर से भी मैंने प्रार्थना की है कि मेयर साहिबा, आप अपने शहर के अंदर कोई भी, इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक व्यवस्था नहीं होता है तब तक खुले में मीट नहीं बिकना चाहिए। और देखिए, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर भी गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। उन पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता के संस्कारों को भूल गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि खुद उद्धव ठाकरे अपनी पहचान अहमद के रूप में खड़ा कर रहे हैं, वोट की खातिर अपने पिता के संस्कार को भूल गए हैं। जो अहमद बन गया हो, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जो वोट के खातिर भूल गया अपने पिताजी का संस्कार, जो भूल गया कि पहचान, आज वो अहमद के रूप में खुद खड़े होकर के मुसलमानों के वोट के लिए बाला साहेब ठाकरे की पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिला दी। और देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और सबसे पहले तैयारी शुरू की है बीजेपी ने। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में रणनीति बनाई गई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ जो चार विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी पार्टी में बैठक में चर्चा की गई है। एनडीए के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है, सामाजिक समीकरण साधने पर जोर दिया गया है। पार्टी ने हर वर्ग के बीच अभियान चलाने का फैसला लिया है और पार्टी का मकसद समाज के हर वर्ग में पैठ बनाने का है। कोर कमेटी की बैठक में चार विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बिहार के इमामगंज, तरारी, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव होने हैं। तरारी और रामगढ़ से बीजेपी और बेलागंज से जेडीयू, इमामगंज से हम के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। बीजेपी ने इसके लिए भी रणनीति तैयार की है। नए और पुराने कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे और बूथ स्तर पर तैयारी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस समय समय पर संगठनात्मक विस्तार के लिए, अपने सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए, और ये राज्य में जो सरकार चल रही है बेहतर उपलब्धियां उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में एक नया आयाम खड़ा कर रही है उसको जन जन तक कैसे पहुंचे इसके लिए कार्य योजना बैठी है। निश्चित तौर पर 2025 में हम चुनाव जीतेंगे, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कार्यालय में संगठन से संबंधित विषय अध्यक्ष जी रखेंगे,
ये हमारा नित्य की बैठक होती है, जब प्रभारी आते हैं कोर कमेटी की बैठक होती है, ये रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है और इसको लेकर ये बैठक की गई, लेकिन इस बैठक पर अब सियासत बिहार में तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन को एक बार फिर से एनडीए पटखनी देने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को सत्ता सौंपने वाली नहीं है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। भाजपा और एनडीए घटक दलों के आगे महागठबंधन टिक नहीं पाएगा। 2025 चुनाव को लेकर भाजपा ने बूथ स्तर तक अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। जनता को भाजपा पर भरोसा है और सरकार पर विश्वास है। लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बिहार का विकास एनडीए की सरकार ही कर सकती है। एनडीए सरकार में बिहार का जो विकास हुआ है वह अद्वैत और अतुलनीय है। एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिया है और आगामी 2025 चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए नेताओं को लक्ष्य भी दे दिया है कि हम आगामी 2025 के चुनाव में 220 सीटों से ज्यादा जीत कर आए, इसके लिए हम सभी लोग लग जाएं। देखिए ना, 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, पूरी तरह से तैयार है। हम सारे घटक दल जो है मिलजुल करके काम कर रहे हैं और हमने डिलीवरी दिया है, हमने काम किया, हमने जनता का विश्वास जीता है। और उसी तरह से जैसे पिछले 20 सालों से बिहार की जनता का प्यार हमको मिल रहा है, वो मिलेगा। और जो विपक्ष में जो जंगल राज के नमूने बैठे हैं, जंगल राज का जो मॉडल चलाते हैं, उनको बिहार ने कब का नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को तो दम भरने की आदत है, वो शायद भूल गए हैं कि एक नेता की पगड़ी खुली है और बाल मुड़ा है, दूसरे का क्या होगा ये पता नहीं, वो देखने का समय बताएगा। रही चुनाव की बात, चुनाव जब भी हो, आज हो या 2025 के अंत में हो, महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बिहार में डबल इंजन के सरकार के द्वारा जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के हितों के सवाल पर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज के नाम पर जो रीपैकेजिंग की गई है और जिस तरह से बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई जवाब नहीं है। 2025 के चुनाव के पहले जनता और जनता के बीच जाकर के भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है गुमराह करने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है।